इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट, ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कर्मचारियों की बढ़ेगा वेतन, प्रदेश के 4.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। बड़ी खबर मध्य प्रदेश, कर्मचारियों की बढ़ेगी पगार, मनमोहनी होगा नया साल। भोपाल प्रदेश के बाशिंदों के लिए नया साल मनमोहनी होने वाला है। नए वर्ष 2024 में सूबे के अवाम को कई सौगातें मिलेगी। कर्मचारियों की पगार बढ़ेगी, वहीं सरकारी विभागों में खाली 1 लाख पदों को भरने की कवायद होगी। किसान, महिलाओं और उद्यमियों का ध्यान रखने के साथ गरीबों को आवास देने की योजना परवान चढ़ेगी। 4% डीए की मिलेगी सौगात। डीए को लेकर राज्य कर्मचारियों की मांग पुरानी है कि केंद्र के समान डीए मिले। केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है, जबकि राज्य कर्मियों को 42% ही मिल रहा है। राज्य कर्मचारियों को 4% डीए मिलेगा, इससे उन्हें केंद्र की तरह ही 46% डीए हो जाएगा। इसका सीधा लाभ 4.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त, सरकारी विभागों में 1 लाख से ज्यादा खाली पदों को भरने की प्रक्रिया होगी। इसकी जानकारी कुछ विभागों ने भर्ती एजेंसियों को भेजी है। कर्मचारी चयन बोर्ड व MPPSC ने कुछ परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी किए हैं। वर्दी वालों की भर्ती नए बोर्ड से होगी। जॉब्स मुफ्त, शिक्षा की तैयारी, शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होगी। सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी देने की तैयारी है। दी हवा की सेहत जान सकेंगे आप। जिस शहर में जा रहे हैं वहां हवा प्रदूषित है या नहीं, ये जानने का विकल्प बढ़ेगा। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर जैसे शहरों व कुछ जिला मुख्यालयों पर हवा की निगरानी की जा रही है। इस वर्ष ऐसे केंद्र बढ़ेंगे, बाद में मोबाइल पर भी उक्त शहरों के हवा की स्थिति देख सकेंगे। मोदी गारंटी पूरी करने की चिंता, राज्य सरकार को मोदी गारंटी को पूरा करने की भी चिंता है। भाजपा ने संकल्प पत्र में जनता से कई वादे किए, इनमें मोदी गारंटी भी थी। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास करेगी, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। नए पर्यटन स्थलों का विकास, प्रदेश के अछूते पर्यटन स्थलों को नए साल में विकसित किया जाएगा, उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। PPP मोड में छोटे रूट्स पर विमानों के संचालन की भी तैयारी है। प्रयास यही है कि ग्रामीण पर्यटन बढ़े, पर्यटक बढ़ने से राज्य की आय भी बढ़ेगी। जन आवास योजना शुरू होगी, राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई परिवार बेघर न रहे, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ अब मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी शुरू की जाना है। लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास का लाभ भी मिलेगा, मिलता रहेगा मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के साथ रियायती दर पर 5 साल तक दाल, सरसों तेल एवं चीनी मिलता रहेगा।